सुप्रभात बच्चों, मैं सोना श्रीवास्तव विज्ञान अकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का संस्कृत पाठ 3, भारतवर्ष। भारतवर्ष के बारे में देखिए क्या है। अस्माकं देशः अस्ति भारतवर्षः। अस्माकं मीन्स होता है हमारा, देशः मीन्स देश, अस्ति मीन्स है, भारतवर्ष मीन्स भारतवर्ष, हमारा देश भारतवर्ष है। अस्य भूभागाः रमणीयाः सन्ति। अस्य मीन्स होता है इसके, भूभाग में क्या है रमणीय, संति मीन्स है इसका भूभाग क्या है रमणीय है। यथा अत्र कुत्रचित पर्वत श्रृंखला सन्ति, जैसे, यथा मीन्स होता है जैसे, अत्र मीन्स यहाँ, कुत्रचित कहीं पर्वत श्रृंखला सन्ति, जैसे यहाँ कहीं पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो कुत्रचित समतल भूमि दृष्टिपथम आयति, तो कहीं पर समतल भूमि दृष्टिपथ देखने को मिलती है, नज़र आती है। तो कुत्रचित पर्थेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति, क्वचित च विस्तृतं मरुस्थलम् अस्ति। कुत्रचित पर्वतेभ्यः, तो कहीं पर पर्वतों से नदियां बहती हुई दिखती हैं। तो च जमेश होता है और मरुस्थल अस्ति, और कहीं पर क्या होता है विस्तृत मरुस्थल है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, इस देश में सर्वे में सभी ऋतुवः मतलब ऋतु मौसम, क्रमेण मतलब क्रम से, आगच्छन्ति आते हैं, ते मतलब ये चौमिस और भी कौन कौन से हैं देखिए, बसंतः बसंत ऋतु, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, वर्षा शरद, शरद आपको पता है, हेमंतः शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु यानी शीत ऋतु। अब देखिए अगली पंक्ति, भारतवर्ष भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, भारत में सर्वत्र, सर्वत्र में होता है सभी जगह, विविधता विविधता है, भारत में सभी जगह विविधता है। यथा अत्र जनानां विविधा भाषा विविधा संप्रदाय विविधम भोजनम विविधा वेशभूषा च सन्ति। अब देखिए क्या है, यथा अत्र जनानां, यथा जैसे, अत्र मीन्स यहाँ, विविधा विविध भाषा भाषा, विविधा संप्रदाय विविध संप्रदाय, विविधम भोजनम विविध भोजन विभिन्न प्रकार के भोजन, विविधा वेशभूषा विभिन्न प्रकार के वेशभूषा च सन्ति, च मीन्स होता और सन्ति मीन्स है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएँ, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के भोजन और विभिन्न प्रकार की वेशभूषा है। परम अत्र, परंतु यहाँ पर अनेकतायाम, इतना होने के बाद भी यहाँ पर क्या है, अनेकतायाम अपि एकताया सुमधुरा धारा प्रवहति, परंतु यहाँ पर अनेकता में भी एकता की सुमधुर धारा क्या होती है, बहती है। वयम सर्वा भाषा भाषणम एकम राष्ट्रध्वजम नमाम एकम राष्ट्रगानम गायाम गायाम अपि च, वयम हम सर्वा में सभी भाषा भाषण एकम राष्ट्रध्वजम नमाम, हम सभी अलग अलग भाषा भाषी होने के बाद भी क्या करते हैं, एक राष्ट्रध्वज को क्या करते हैं, नमन करते हैं। कई भाषाओं का ज्ञाता होने के बाद भी, कई भाषा भाषी का ज्ञाता होने के बाद भी हम क्या करते हैं, एक राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं। एकम राष्ट्रगानम गायानम, तब क्या करते हैं, एक राष्ट्रगान को गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सव सामाजिक उत्सव च मित्वा मानयामः, इसके पश्चात भी हम क्या करते हैं, एक राष्ट्रगान को गाने के बाद भी हम राष्ट्रीय उत्सव हो या फिर सामाजिक उत्सव हो, सबको क्या करते हैं, एक साथ मिलकर मनाते हैं। अब देखिए अगली पंक्ति, भारतस्य प्रदेशानां सर्वसंस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। देखिए क्या है, भारत के प्रदेशों की सर्व, सर्व में सुता सभी, संस्काराणां संस्कारों की जननी, जननी में सुता है माता, एका संस्कृत भाषा एव अस्ति, भारत के प्रदेशों के सभी संस्कारों की माता क्या है, संस्कृत है। प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषाणां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। प्रायः क्या होता है, लोग उत्सव में, धार्मिक उत्सव में, कार्यों में क्या करते हैं, संस्कृत भाषा का समान रूप से मंत्रोच्चारण करते हैं। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति,
भारत की अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। अत्र न को अपि संदेह भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति। अत्र मीन्स होता है इसमें न को अपि कोई भी संदेह नहीं है कि भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में संस्कृत निहित है। अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्र हमारे भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय, सभी का हितों सभी के हित के लिए और सभी के सुख के लिए हम सोचें। उक्त च सही उक्ति कहा गया, क्या कहा गया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवेत्। क्या कहा गया है कि सर्वे में सुता है सभी, भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे में सुता है सभी, संतु निरामया निराया में सोता है निरोगी, सभी क्या हो? निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे में सोता है सभी भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, सभी का क्या हो? कल्याण हो। हम किसी का भी बुरा न सोचें, किसी का भी बुरा न देखें, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न हो। अब हम अगली पाठ को आगे पढ़ेंगे।